घर खर्च वगैरह कैसे चल रहा है आपका? अब ये अड्डे पे लगाते हैं तो वहाँ मन के दाम मिलते हैं, यहाँ कोई दाम ही नहीं देता है। और हमें कुछ ना विधवा पेंशन ना हमें कोई पेंशन ना मिल दिला, बहुत परेशान गोर जो टूटो है। प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री अभी तक आओ नहीं है भारत में। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारी टीम जाएगी गाँव की ओर और दिखाएंगे आपको कि ग्रामीणों की जीवन शैली पर लॉकडाउन का कैसा है असर। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके लिए आज हमारी टीम जाएगी शाहजहांपुर में भावलखेड़ा ब्लॉक की बिलिंदपुर ग्राम सभा में और दिखाएंगे आपको जमीनी हकीकत। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। मौजूद हैं बिलिंदपुर ग्राम में, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ एकत्रित हैं, इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले जो सामान्य स्थिति चल रही थी क्या वही स्थिति आज है ग्राम में? जी बताइए। जी हाँ, लगभग जो है सही है स्थिति और चीज़ें जो तो पता ही है महंगी मिल रही हैं। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या उनका लाभ मिल पा रहा है ग्रामीणों को? हाँ हाँ, सरकार के द्वारा अभी तक जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे राशन से लेकर और भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें मिल रही हैं, लगभग सभी मिल रही हैं यहाँ पे सभी। अच्छा, ये बताइए कि आपके ग्राम में किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है किसानों को? सभी को मिला है, सभी को मिला। सभी जो है कोई चीज़ सामान ओवर रेट तो नहीं बिक रहा है? नहीं, बकायदा रेट टू रेट बिक रहा है और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका का, और गाँव में भी सपोर्ट बहुत है। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान ने गाँव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया था? हाँ, छिड़काया था दवा, अब जो नहीं पता सैनिटाइजर है या क्या केमिकल क्या था। जी आप बताइए, आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ तो मिल रहा है गो, लेकिन बहुत से लाभ ना ही मिलते हैं। जैसे कि क्या लाभ नहीं मिल रहा? जैसे है सरकार जो है मजदूर के लिए क्या कर रही है। अच्छा, मनरेगा मजदूर के लिए 1000 रुपये सरकार ने भेजे, वो लाभ मिला है? हमारा मनरेगा मजदूरी का कार्ड ही नहीं बना है। नहीं, आपके ग्राम में जिन लोगों को बना है उनको लाभ मिलता है? उनके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए कि जब अपना नहीं बना है तो हम क्या जाने कि किसे मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि हमने इतना लुटा दिया गरीब जनता के लिए, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। तो ये आप किस चीज़ की फेरी लगा रहे हैं? जी अनार अनार है, पपीता है, सेबे है, जे बेच रहे हैं। तो लॉकडाउन का क्या माहौल है, कैसे आप जो है समय जो है प्रक्रिया चल रही है आपकी जीवन प्रक्रिया? अरे इस वेला बहुत नुकसान हो रहा है हम लोग का, बहुत नुकसान हो रहा है। तो घर खर्च वगैरह कैसे चल रहा है आपका? अब जो है अड्डे पे लगाते हैं तो वहाँ मन के दाम मिलते हैं, यहाँ कोई दाम ही नहीं देता है। तो आपको कहना का मतलब आपके सामान का सही रेट नहीं मिल पा रहा? हाँ, आपको राशन वगैरह जो सरकार की और योजनाएं हैं इनका लाभ मिला? नहीं मिला। कोटे बाद कोटे पे था हमारा राशन कार्ड, उन्होंने वो काट दिया। हाँ, 2-4 बार दिया, उसके बाद काट दिया उन्होंने। तो ये नहीं बताया कोटेदार ने कि आपका राशन कार्ड क्यों काट दिया? हाँ, हम 2-4 बार लेने नहीं गए, बस इस चक्कर में लेने नहीं गए। अच्छा, लॉकडाउन से पहले अभी जो फ्री राशन मिल रहा है वो आपको मिला? नहीं, हमें साला मिला, और हमने लड़की पिछले साल शादी की तो वो हमने हमें वही पैसा आज तक नहीं मिला। 4 लड़कियों शादी की, हमें कोई पैसा नहीं आज तक मिला। अच्छा, इसे लॉकडाउन में सरकार जो है फ्री गल्ला या जो भी योजना भेज रही है इससे आपको कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, गल्ला मिला। जी आप बताइए। हाँ, गल्ला तो मिलो, गल्ला मिला है। हाँ, गल्ला मिलो। और 60 साला मिलती है? नहीं ना, ना मिलो। आपने ऑनलाइन कराया उसको? उसके बाद भी आपको नहीं मिली? ना मिलो। अच्छा, आप बताइए। हमें ना पेंशन मिंद के तरीका के ना मिंद। अच्छा, अब फार्म हमने जो 2000 वाले 4 फार्म डाल चुके, हमारे नहीं पैसे। अच्छा, ये बताइए, आपके ग्राम प्रधान ने ग्राम में सैनिटाइजर का छिड़काव या मास्क वगैरह वितरण किया है? छिड़काव करवाओ, लेकिन वो नहीं, मास्क वगैरह नहीं करवाओ। जी बताइए, आपको राशन मिला? हाँ, राशन मिलो। कितना मिला राशन? 5 किलो मिलो, एक यूनिट पे 5 किलो। हाँ, फ्री वाला मिला 5 किलो? हाँ, फ्री वाला मिलो 5 किलो, वो जो पहले आपको मिलता था बहो मिलो। अच्छा, आपको जो है 60 साला पेंशन मिलती है? कुछ ना है ना, 60 साला ना पेंशन कोई चीज ना है। और जो 2000 रुपये खेती पर मिल देते हमें मिले, कभी नहीं मिले। अच्छा, आप बताइए माता जी, आपको जो है विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलता है? हमें कुछ नहीं बेटा मिलती है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। राशन मिला आपको? राशन वहाँ मिलो ही लड़का ले आओ। अच्छा, और हमें कुछ ना विधवा पेंशन ना हमें कोई पेंशन ना मिल दिला, बहुत परेशान गोर जो टूटो है। अच्छा, ये लॉकडाउन चल रहा है इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। जी आप बताइए।
हाँ हम लोग ना कुछ मिलो, कुछ भी नहीं मिला। राशन वगैरह मिला? राशन भाई एक नोट 5 किलो मिलो, 5 किलो फ्री वाला। अच्छा जो है आपको 60 साल पेंशन या किसान योजना जो भी 2000 कुछ नहीं मिले? कुछ ना मिलो। अभी तक लेबरी कार्ड के कोई पैसे नहीं मिले हमें। आपका जो है उस पर रजिस्ट्रेशन है मनरेगा? हाँ रजिस्ट्रेशन है मनरेगा में हमारा। उसमें आप जो गवर्नमेंट ने 1000 रुपये भेजे क्या वो आपको अकाउंट में आए नहीं आए? अभी तक नहीं अकाउंट में हमारे आए हुए नहीं आए। और भी लोग हैं आपके साथ जो यहाँ? हमारे यहाँ 10-15-20 लोग हैं, उनके रजिस्ट्रेशन भी हैं लेकिन अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। जितने भी लोग हैं उनमें किसी को भी पैसा नहीं मिला है? किसी को भी नहीं अभी तक पैसा मिला है हमारे यहाँ। आपको राशन मिलता है? राशन मिला था मैं 4-5 महीना मिला, फिर राशन मेरा कार्ड कट गया, 2 महीने हो गए कार्ड नहीं बन रहा है। कार्ड क्यों कट गया ये बताया आपको कोटेदार ने? नहीं बताया। नहीं बताया तो आपको अभी पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिला? नहीं मिला। तो इसके लिए आपने जो है कोटेदार से या ग्राम प्रधान से संपर्क किया? नहीं किया। नहीं किया? हमने ऑनलाइन कराई थी, ऑनलाइन में हमें 4-5 महीने गल्ला मिला जिसके बाद में राशन कार्ड कट गया, हमें ये भी नहीं पता किससे कटा कैसे नहीं कटा है। राशन ना मिलने से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत समस्याएं ऐसी आती हैं। तो आप जैसे आपका घर का खर्च कैसे चलता है? अब खर्च का ऐसे चला रहे हैं, बहुत कर रहे हैं नरमाई के, जो गल्ला पानी थोड़ा बहुत हो गया खेत में वही बेच बाँच के खर्चा चला रहे हैं। इस बार 5 किलो दिया है। अच्छा पिछली बार 4.5 किलो दिया। अच्छा पिछली बार 4.5 किलो। हाँ वो हमेशा से मतलब 4.5 किलो फिर उससे पहले देते थे? नहीं उससे पहले कई बार हम ले चुके हैं तो जो है 4 यूनिट पर 18 किलो गल्ला देते थे। लॉकडाउन से कोई विशेष समस्या है आपको बताइए? सिर्फ जो भी है वो लाइट से है, लाइट नहीं आ रही इतनी अच्छी नज़र है, बाकी राशन समय से मिल रहा है, गांव को कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई दिक्कत नहीं? लाइट की समस्या बस, सिर्फ लाइट की समस्या है, वो भी टाइमली नहीं दे रहे हैं बढ़िया। अभी आपके कोई गांव में कोई इमरजेंसी वगैरह ऐसे ही हुई तो अगर इमरजेंसी हो जाए तो गांव में सुविधा उपलब्ध है ले जाने की कुछ? गांव में वही जो 102 नंबर एम्बुलेंस ही आता है, बाकी आती है? हाँ आती है अगर किसी को दिक्कत हो। पहली बात तो जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे ख्याल से गांव में किसी को ऐसी विशेष परिस्थिति गुजरना नहीं पड़ा लगभग।